वाराणसी जिले में 27 जुलाई 2022 को एक ऐसी घटना घटी जहां पे परिवार में कोहराम मच गया। जब मैंने परिवार वालों से बात किया तो उनका आरोप है कि जिस सरकारी हॉस्पिटल को या जिन डॉक्टरों को लोग भगवान मानते हैं, अगर वही इंसानों की जान लेना शुरू कर दे तो क्या उसे भगवान मानेंगे? किस तरह का कब उनकी जो है कि नसबंदी हुई थी, कितने बच्चे थे, क्या मामला, कैसे हुई डेट थोड़ा बताइए। 20 जुलाई को ये गई थी, 20 तारीख को ऑपरेशन कराने के लिए ये गई। बड़ी खुश थी, कह रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, बस अब मैं इन्हीं को पालूंगी। और इससे पहले उसने सफैया कराया था और कह रही मैं नसबंदी करा के बस 2 बच्चों को पालूंगी। बड़ी खुशहाल थी वो, गई, आशा बहू आई थी, कह रही चलो मैं सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हारा नसबंदी करवा देती हूँ। उस दिन ड्यूटी चले गए मेरे भाई जी और ये आशा बहू, इनको लेकर गई हॉस्पिटल कभी चौरा, वहाँ नसबंदी करा कर आई वो। उस दिन वो बिस्तरे पकड़ी थी तो हम लोग सुझा ऑपरेशन कराई है और ये शाम तक कल तक 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगी, मगर वो बिस्तरा छोड़ी नहीं, वो बस जो बेड पकड़ ली पकड़ ली। 25 तारीख को हम लोग आए, हमने कहा भाभी क्या हुआ, कह रही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा दर्द बढ़ता ही चला जा रहा, उसका पेट फूलता चला जा रहा। ऐसे हालात पे हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हमने कहा भाभी कुछ नहीं होगा, तुमको हम बचा लेंगे, इसलिए मैं सीपुर अपने सरकारी हॉस्पिटल में गया, वो लोगों ने लेना नहीं लिए। एम्बुलेंस आई है 15-20 मिनट बाद, उसका दर्द इतना था कि हम लोग को देख कर रहा नहीं गया। मैंने प्राइवेट ऑटो किया और तुरंत दीनदयाल में कोई भी देखने वाला डॉक्टर नहीं था कि हमारे मरीज को देख लेता थोड़ी देर या रोक लेता। वहाँ 15-20 मिनट वो चीखती रही चिल्लाती रही, उसने लिख दिया कभी चौरा के लिए, कह रहे ये कभी चौरा का मीटर है, कभी चौरा ही देखे। कभी चौरा जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे भी कोई डॉक्टर उसको देखने के लिए तैयार नहीं। जो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उनको फ़ोन किया गया, कह रहे वो डॉक्टर छुट्टी पे है, वो आ नहीं सकते। डॉक्टर योगेंद्र डॉक्टर, उनको फ़ोन किया गया तो ये हुआ कि शाम तक आ जाएंगे। हमारा मरीज कह रहे हैं कि बेच चू ले जाओ, और लगभग हम लोगों ने इंतजार लगाते कहाँ कहाँ इसको लेके भागते रहेंगे, यहाँ का केस है ये लोग देखेंगे। अगर उसका पेट दोबारा खोलने लायक था तो समय रहते वो क्यों नहीं खोले, समय रहते खोल देते तो आज उसके बच्चे अनाथ नहीं होते। पति पहले बहुत थोड़ा बिगड़ा हुआ दारू शराब पीता था, उसने अपना परिवार देख के आज 8 साल से सब कुछ त्याग दिया था कि मेरा घर परिवार बसा। उसके चेहरे पर एक बुलंदी था कि बच्चे हो गए परिवार हो गए, हमको देखना था। तो इसकी सूचना आपने किसी विभाग में नहीं दिया भैया? 112 में मैंने कॉल किया था, पुलिस आई हमसे कहती है उनके पास पावर है पैसा है, तुम कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, हम अभी ये जाएगी चीड़गर, इसका चीड़ पहाड़ होगा, मिट्टी पलीत हो जाएगी। बस इस चीज़ों से हम डर गए, इसके माँ को दिखाने के लिए हम लोगों ने डेड बॉडी हमने पुलिस के कहने पे उन्होंने हम लोगों को कर बयान लिया, मजबूरन हम लोगों ने कर साहिब चले आए। और किसी का बच्चा ना था उनको इंसाफ मिल जाए, हम लोगों से बस यही। BHU के लिए रिफ़र किया गया था, फिर उसी दिन हमारे यहाँ वो आके एडमिट हो गए। यहाँ भी डॉक्टर ड्यूटी ने कंडीशन उनकी देखी तो काफ़ी मतलब गंभीर थी, तो BHU जाने के लिए कहा गया। BHU के लिए शुरू में तो तैयार हुए, फिर बाद में कुछ बात हुई होगी तो उन्होंने कर दिया कि यहीं पे ट्रीटमेंट किया जाए। तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ने स्टार्ट भी कर दिया, बता भी दिया कंडीशन, रात वाली डॉक्टर ने भी देखा तो ये भी बताया कि सीरियस हैं काफ़ी। डॉक्टर योगेंद्र की बात है तो वो क्योंकि कैंप ड्यूटी में थे तो इसलिए हो सकता हो कि न कांटेक्ट हो पाया हो, क्योंकि तो यहाँ सूचना वही जिस दिन एडमिट हुई उसी दिन हमने प्राप्त हुआ था कि वो एडमिट हुई हैं।
नहीं, अब वो तो एक्सप्लोर होता है या पोस्टमार्टम होता तो पता चलता कि मतलब क्या है। जैसे अगर आप उनका एक्सप्लोरेशन करके देखा जाता है, एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटरी होती है, उससे पता चल जाता, या जब भी उनको दिक्कत हुई थी तो उस समय कोई जांच और एक्स्ट्रा हुई होती, अल्ट्रासाउंड एक्सरे कुछ भी हुआ होता तो पता चलता, क्योंकि यहाँ पे आए जब तक उस समय तक कंडीशन काफ़ी ख़राब होती थी, तो इसीलिए BHU रिफ़र भी किया गया था कि मतलब कम से कम एक्सप्लोर हो जाए तो पता चल जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो पुलिस को हम लोगों ने सूचना दी डेथ के बाद, तो पोस्टमार्टम के लिए वो लोग नहीं रेडी हुए, तो एग्जैक्ट काज तो बताना था, दिक्कत होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।